नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसलिए इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए इसको दिलचस्प चर्चा कह रहा हूँ, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन से संबंधित चर्चा है। और हमें जितने भी ग्रह हैं, जैसा हम हमेशा बोलते हैं अपनी चर्चाओं में, कि जितने भी ग्रह हैं सबका अपना अपना एक अलग महत्व है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन शुक्र ग्रह जो हैं ये सबसे अलग हैं। और ये इसलिए अलग हैं कि इस जीवन, परमात्मा ने जिसको भी जीवन दिया है, इस शरीर जिसको भी दिया है, जब वो इस संसार में आता है शरीर के रूप में, तो हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है, हमेशा रहती है जब तक वो इस संसार में रहता है, कि मुझे भी इस दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं हैं उनका मैं भोग कर सकूं, उनका मैं भोग कर सकूं। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति इस संसार की सुख सुविधाओं का भोग कर सके। ये हम सभी जानते हैं, किसी को बिल्कुल भी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जीवन में, कठिनाइयों से ही जीवन व्यतीत होता है, कठिनाइयों के साथ। कुछ बहुत जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेते हैं, कुछ को कुछ कम मिलता है। सबका अपना अपना अलग हिसाब किताब है। और वो इसलिए है ये हिसाब किताब अलग अलग, कि जितना, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, कि जितना शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में जितना अधिक मजबूत होगी, उतना ही वैभव, सुख सुविधाएं जीवन में वह व्यक्ति उनका आनंद लेगा, उनका लाभ उठाएगा। ये बात हम हमेशा आपसे करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वैभव के, सुखों के कारक हैं, इनके देने वाले हैं। और जब शुक्र किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं तो जीवन की सभी सुख सुविधाएं उसको देते हैं। और निर्भर इस बात पर करता है कि उनकी आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है। जिसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए नीच अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, शत्रु राशि में है, और भी बहुत चीजें हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन भर सुख सुविधाओं के लिए तरसता रहता है और उसको सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती अपने जीवन में। तो यही शुक्रदेव हैं, आज हम इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, इन्हीं के ऊपर ही बात होगी। और इस जुलाई के महीने में ये फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जब अपना राशि परिवर्तन करके ये दूसरी राशि में जाएंगे, तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, यानी कि मेष लग्न राशि से लेके मीन लग्न राशि तक के जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्र के कैसे प्रभाव देखने में आएंगे। अभी जो इससे पहले इनका राशि परिवर्तन हुआ था, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आए हैं, आपको बहुत पसंद आया है वो कार्यक्रम। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम जितना अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें, इसके माध्यम से ज्योतिष के, वो आप तक पहुँचाएँ। तो प्रिय साथियों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आपसे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र ग्रह दिनांक 13 जुलाई सन 2022, दिन बुधवार, तिथि पूर्णिमा को प्रातः 10:50 पर अपनी स्वयं की राशि ये वृषभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। और यहाँ पर इनको सूर्य और बुध का साथ तो प्राप्त होगा, मिलेगा, युति तो बनेगी इनकी सूर्य और बुध के साथ, लेकिन वो सिर्फ 16 जुलाई तक बनेगी, 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। 16 जुलाई से लेकर के फिर ये 6 अगस्त तक रहेंगे यहाँ इसी राशि मिथुन में। मिथुन राशि में तो ये 13 जुलाई से लेकर के और 6 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई तक इनकी युति, जैसा हमने कहा, कि सूर्य और बुध के साथ रहेगी। अब क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य बुध इनके साथ छोड़ करके निकल जाएंगे, तो उसके बाद ये 6 अगस्त तक यहाँ पर अकेले रहेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में, और उदय एवं मार्गी अवस्था में रहेंगे, बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में रहेंगे ये।
और जब ये अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे तो आप अलग अलग लग्न राशि के जातकों को किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे जीवन में, इसी के विषय में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मेष लग्न राशि की बात करेंगे, जो मेष लग्न राशि के जातक हैं। तो देखिए, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ वो एक तो जो शुक्र है वो आपके घर में, यानी कि सेकंड हाउस में थे अब तक आपके चार्ट में, अब वो थर्ड हाउस में आ जाएंगे और वो आपके जो चार्ट में सेकंड और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और अब वो रहेंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में रहने के बाद इनके किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में देखने को आएंगे 16 जुलाई से लेके और 6 अगस्त तक, 13 जुलाई से लेके, क्षमा करें। तो देखिए प्रिय साथियों, सबसे पहले तो आपके भाग्य में जो अभी तक अवरोध पैदा हो रहे थे या कमियां थीं, ये उनको दूर करेंगे। कहने का मतलब भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है जब तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे मिथुन राशि में, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनको भी अपनी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे ये। और इसके अतिरिक्त आपको अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी ओर से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है और पैसे का आगमन आपके पास बना रहेगा। पैसे की सेविंग आप करेंगे अपने अच्छी तरीके से कर लेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी आप जो करते हैं अगर, तो वो भी आप उसमें भी वो भी लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए। छोटे भाई बहन जो हैं आपके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी हैं, उनका भी आपको यंगर, उनका भी आपको प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। आपके भाग्य का, जैसे ही यहाँ पर ये 13 जुलाई को आ रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट आप मेष लग्न राशि के जातकों को मिलना आरंभ हो जाएगा। यानी कि जो काम आपके रुक रहे थे भाग्य के कारण, कमी के कारण, वो भी पूरे होने आरंभ हो जाएंगे। और वैवाहिक संबंधों की बात कर लें तो वैवाहिक संबंध भी आपके सामान्य बने रहेंगे। थोड़ी बहुत तो उसमें टेंशन है, लेकिन शुक्र काफी स्थिति को संभाल रहे हैं। अब आगे बात करेंगे वृषभ लग्न राशि के जातकों के विषय में, जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। तो देखिए, आप तो वृषभ राशि जो है, वृषभ लग्न राशि, इसके तो लॉर्ड ही स्वयं शुक्रदेव हैं, वीनस, और वीनस अभी आपके लग्न भाव में ही बैठे हैं। 13 जुलाई को ये निकल जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो मिथुन में जाएंगे, जैसा मैंने कहा, जो कि आपके चार्ट में सेकंड हाउस है जहाँ पर जाएंगे। ये मिथुन राशि आपके चार्ट में सेकंड हाउस में है, वहाँ ये 13 जुलाई को पहुँच रहे हैं और वहाँ ये रहेंगे 6 अगस्त तक, और 2 से 3 दिन बीच में 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक इनकी युति सूर्य बुध के साथ भी बनेगी। उसके बाद ये अकेले रहेंगे 6 अगस्त तक। तो ये क्या आपको देंगे? देखिए, आपके जो घर का कोई भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हेड मतलब हेड ऑफ फैमिली, उनका आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि उनसे आपको आशीर्वाद के रूप में, प्यार के रूप में कुछ मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, इस तरीके का कुछ आपको उनकी तरफ से प्राप्त हो सके, इसकी भी अच्छी संभावना है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा आपका, लोग आपके व्यवहार से खुश होंगे, आपके बोलने के ढंग से आप से लोग प्रसन्न रहेंगे, खुश होंगे। परिवार के जो सदस्य हैं सभी के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ शत्रु हैं आपके, विरोधी पक्ष हैं या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, दिक्कतें तो उसमें रहेंगी हैं, लेकिन शुक्र के आने से कुछ कमी भी होंगी। शुक्र उसमें कुछ कमी करने की अवश्य कोशिश करेंगे कि उसमें आपको राहत दें। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अगर कोई आपने कोई बैंक से लोन आदि लेना है, हालांकि उसमें भी समस्याएं हैं अभी जुलाई के महीने में, लेकिन शुक्र आकर के उसमें काफ़ी आपको सपोर्ट देंगे कि अगर आपका लोन का काम नहीं बन रहा है तो वो आगे चले, किसी तरह मूव हो। यदि आप लोन सेटल करना चाहते, मतलब लोन से संबंधित लेना है देना है जो भी है,
उसको भी शुक्र जो है आप यहाँ आकर के आपके कार्यों को आसान करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करेंगे मिथुन लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो बताना चाहेंगे कि आप जो मिथुन लग्न राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो है एक तो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, ट्वेल्थ हाउस के, और एक पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। और अब ये आएंगे लग्न भाव में आप मिथुन लग्न राशि के जातकों के फर्स्ट हाउस में। जब ये फर्स्ट हाउस में आएंगे बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं मित्रों आपको, और किस रूप में देंगे ये परिणाम वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट उनको प्राप्त हो पाएंगे और वो अपनी शिक्षा में अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में किसी प्रकार की संभावनाएं दिक्कतें तो रहें, पहले से चल रही हैं, लेकिन शुक्र आकर के, शुक्र के आने से आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी। जो आपके रिजल्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें भी शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे कि अच्छे रिजल्ट मिले। और सबसे बड़ी बात यह, आकर्षक व्यक्तित्व आपका होगा 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में, काफी आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा और काफी आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, काफी रोमांटिक रहेंगे, और वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे 13 जुलाई से 6 अगस्त तक। भरपूर उसका आनंद लेंगे आप अपने वैवाहिक संबंधों का, बहुत ही मैं कहता हूं एंजॉय करेंगे आप, वैवाहिक सुखों में कमी नहीं होगी और रोमांटिक मूड में रहेंगे। और मैंने जैसा कि कहा, व्यक्तित्व आपका काफी आकर्षक रहेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके व्यक्तित्व की तारीफ करेंगे, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहेगा लोगों के प्रति, तो हर तरीके से आप प्रशंसा के पात्र रहेंगे मिथुन लग्न राशि के जातक। ये स्थिति रहेगी आपकी। आगे बात करेंगे कर्क लग्न राशि के जातकों के विषय में। कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं, आपका चार्ट जो मैं देख रहा हूं, इसमें शुक्र जो है एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक है 4th हाउस के, दोनों घर अच्छे हैं, सुख सुविधाओं का घर, और हमने तो कहा कि सुख सुविधाओं के कारक हैं शुक्रदेव, और 11th हाउस इनकम का घर होता है विशेष रूप से। ये तो बहुत चीज़ों के लिए देखा जाता है एक एक घर, लेकिन विशेष रूप से इनकम के लिए देखते हैं। अब ये शुक्र जो है आपके बैठेंगे जाकर के मिथुन राशि में द्वादश भाव में 12th हाउस में 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा एक बात का जरूर ध्यान रखें आप कर्क लग्न के जातक, कि जितनी इनकम आपको होगी, इनकम तो अच्छी रहेगी, इनकम ऐसा नहीं है कि इनकम ना हो, इनकम तो बनी रहेगी, लेकिन जितनी इनकम होगी उससे अधिक आपके खर्चे होंगे और यहाँ पर आपको तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो इसलिए आपको हम सचेत कर रहे हैं कर्क लग्न राशि के जातकों को कि थोड़ा अपने इनकम और खर्चे के बीच में थोड़ा बैलेंस संतुलन बना के रखें, और ये जो खर्च की सीमा है, खर्च जो अधिकता रहेगी खर्चों की, ये विशेष रूप से आप अपने ऊपर अधिक खर्च करेंगे, अपने ही ऊपर, और अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने मित्रों के ऊपर खर्च करेंगे, तो इससे आपका बजट हिल सकता है अधिक मात्रा में अगर धन का व्यय आपके हाथों से होता है तो, और इसकी संभावना बहुत अधिक है। हाँ, इतना जरूर है अगर आपने किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है या लोन सेटल करना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं, उसमें शुक्र आपको पूरा हेल्प करेंगे, इस कार्य में काम आपका बनवाएंगे, यानी कि अब लोन किसी कारण से रुका पड़ा था या नहीं आगे बढ़ रही थी तो ये कार्य आपका हो जाएगा। दूसरा, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आप 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच आसानी से निपटा सकते हैं, शुक्र माह भी आपकी पूरी मदद करेंगे कर्क लग्न राशि के जातकों की, और विरोधी पक्ष भी शांत रहेगा, ये आप कर्क लग्न के जातकों को मिलेगा। बाकी खर्च पर नियंत्रण जरूर रखें, मैं एक बार दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कर्क लग्न राशि के जातक। आगे बात करेंगे सिंह लग्न राशि के जातकों के विषय में। सिंह लग्न राशि के जातकों यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, शुक्र जो हैं वो दशम भाव के स्वामी हैं 10th हाउस के, और दूसरे हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड, और अभी कहाँ जा कर के बैठेंगे वो मिथुन राशि में आपके कुंडली के 11th हाउस में। तो साथियों, जब ये यहाँ पर आएंगे निश्चित रूप से आपकी जो इनकम है, अगर कहीं रुकावट आ रही है पहले से इनकम में, कुछ कमी है, ये उसको पूरा करेंगे।
आय के साधन आपके बनाएंगे अच्छे, निश्चित रूप से सिंह लग्न राशि के जातकों के। दूसरा, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे आप और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों का बहुत अत्यधिक सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप चाहेंगे उनसे किसी भी तरीके की मदद लेना तो वो भी आगे बढ़ चढ़ करके आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं छात्रों की। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ले देने वाले हैं शुक्रदेव 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच। आप सिंह लग्न राशि के जो जातक हैं, जो छात्र हैं विशेष रूप से, उनके शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणामों की वे प्राप्ति कर पाएंगे। और जो कार्य क्षेत्र में हैं अपने, चाहे रोजगार या व्यापार में हैं, वे भी बहुत अच्छे निर्णय डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस समय अवधि में जब तक शुक्र मिथुन राशि में है। आप सिंह लग्न राशि वालों से हम ये बात कह रहे हैं, तो इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। जो छोटी मोटी यात्राएं आप करेंगे उन वे भी लाभकारी सिद्ध होंगी, बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे शुक्र आपके आके। आगे बात करेंगे कन्या लग्न राशि की। देखिए, कन्या लग्न राशि यानी कि वर्गो असेंडेंट बेस जातक जो है, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो एक सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं नवम भाव यानी कि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड, और ये बैठेंगे कहाँ जाके, दशम भाव में, बहुत अच्छी जगह जाकर के बैठेंगे। और यहाँ बैठने के साथ साथ एक तो आपके ये सुख सुविधाओं का पूरा भरपूर लाभ दिलाएंगे आपको, पूरा एंजॉय करेंगे आप सुख सुविधाओं को, हर प्रकार की सुख सुविधा जितना भी दे सकते हैं मैक्सिमम ये देने की कोशिश करेंगे इस अवधि में, और आप उनका लाभ उठा पाएं ये इनकी कोशिश रहेगी उन सुख सुविधाओं का। तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, बढ़ोतरी होगी निश्चित रूप से कन्या लग्न राशि के आप जातकों के लिए। दूसरा, आपका जो करियर है, करियर में भी आपको सुखद समाचारों की प्राप्ति कराएंगे, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपको होगी और आपका अच्छा वर्चस्व बना रहेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से सेटिस्फाई रहेंगे, जो भी कार्य आप करते हैं उससे पूर्ण रूप से हर तरीके से, यानी कि जो भी कार्य वहाँ पर हो रहे हैं पूर्ण रूप से मतलब सेटिस्फैक्ट्री आप उनको पूरा करेंगे, हर तरीके से आप सेटिस्फाई रहेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका कोई अच्छा प्रमोशन भी हो जाए, शुक्र आपको कुछ प्रमोशन भी करा दें अगर आप रोजगार में हैं, तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, सेविंग बहुत अच्छी कर लेंगे आप, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बना के रखेंगे आप, ये शुक्र कराएंगे आपसे सब कुछ, मनी सेविंग ये वो सब हो जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी धन को लेकर के, आपके करियर को लेके भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, तो ये स्थिति रहेगी। और हाँ, सुख सुविधाओं की तो हम बात पहले ही बता चुके हैं कि उसका भी आपको शुक्र चाहेंगे कि भरपूर लाभ दे सकें, तो ये स्थिति कन्या लग्न राशि के जातकों की रहने वाली है शुक्र के मिथुन राशि में जाने पर। आगे हम चर्चा करेंगे तुला लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस जातक हैं। तो आप साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप तुला लग्न राशि के जो जातक हैं, तुला राशि के तो स्वामी स्वयं शुक्र हैं और शुक्र जो है क्योंकि लग्न भाव है ये, और लग्न भाव के स्वामी हैं स्वयं शुक्रदेव, सातवीं उनकी तुला राशि आपके लग्न भाव में है और एक ये आपके चार्ट में अष्टम भाव के लॉर्ड है। अष्टम भाव के स्वामी होकर के और लग्नेश होकर के अब ये कहाँ जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन में, यानी कि आपके भाग्य के भाव में, भाग्य के घर में। जब ये यहाँ आएंगे तुला लग्न के राशि के जो जातक हैं उनसे हम कहना चाहते हैं ये बात कि जैसे ही ये 13 जुलाई को यहाँ पहुँचेंगे तो जो भी भाग्य से संबंधित कमियां आपके जीवन में चल रही थी, भाग्य में अवरोध था या बाधाएं थी या कमी थी, उनको दूर करेंगे सबसे पहले शुक्र, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे शुक्रदेव तुला लग्न राशि के जातकों के। दूसरा, जो भी यात्राएं करेंगे वो लाभप्रद होंगी, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आपको, ये भी होगा, और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र स्टूडेंट्स उनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे तो इस समय अवधि में, और
काफ़ी आकर्षक आपका व्यक्तित्व रहेगा, लोगों को आप एक तरीके से जो आपका व्यवहार होगा, जो बोलने चालने का ढंग होगा या जो भी बात आप करेंगे सामने वालों से, अपने लोगों से, वे आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित होंगे। और जितने कार्य आपके रुके पड़े हैं किसी भी कारण से, वहाँ शुक्र आपको पूरा सपोर्ट देने आ रहे हैं, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ नहीं होता और ये आकर के भाग्य को ही मजबूत करने वाले हैं। तो आपके बिगड़े हुए कार्यों को ये बनाएंगे, रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे, ये तुला लग्न राशि के जातकों के लिए करेंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक लग्न राशि के जातकों की, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में। और बता दें आपको साथियों कि आपके चार्ट में शुक्र जो हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, एक सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, और ये अष्टम भाव में बैठेंगे जाके 13 जुलाई से मिथुन राशि में 6 अगस्त तक। तो ये क्या करेंगे, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि घर के जो बुजुर्ग हैं उनका प्यार आपको प्राप्त होगा और उनकी ओर से भी कुछ आपको हो सकता है, इस बात की बड़ी अच्छी संभावना बनती है आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए कि कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल उनके आशीर्वाद के रूप में वे आपको दे, इस बात की भी संभावना है। लेकिन साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ को लेकर के आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी अपने लाइफ पार्टनर की। वैसे संबंध अच्छे रहेंगे, वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की सेविंग भी करेंगे आप, मनी सेविंग करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे आपके। और जैसा मैंने कहा कि घर के कोई बुजुर्ग आपके जो हैं, जो भी हैं, उनका प्यार मिलेगा और आशीर्वाद के रूप में भी कुछ आपको संपत्ति के तौर पर भी कुछ ना कुछ प्राप्ति शुक्र करवा सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी बनने जा रही है वृश्चिक लग्न राशि के जातकों पर, इस प्रकार के प्रभाव शुक्र देने वाले हैं राशि परिवर्तन के उपरांत। आगे बात करेंगे धनु लग्न राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो आपको बता दें कि साथियों आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन आकर के बैठेंगे ये 7th हाउस में आपके, मिथुन राशि वहाँ पर है 7th में 13 जुलाई को। जब यहाँ आएंगे तो आप धनु लग्न राशि के जातक जो हैं वो अपनी बातों से दूसरों को बहुत आसानी से समझा पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे आसानी से, प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे और लोग भी आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाएंगे। जो बात आप किसी के सामने करेंगे या जो प्रेजेंटेशन आप देंगे उसमें लोगों का भी आपकी ओर झुकाव रहेगा, उनका वे इंटरेस्ट शो करेंगे आप में, ऐसी स्थिति रहेगी। दूसरा, आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, मूड आपका रोमांटिक ज़्यादा रहेगा और पत्नी के साथ या पति के साथ यानी कि वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, भरपूर सुख प्राप्त करेंगे और ये आपके कार्य क्षेत्र में भी बड़ा सपोर्ट करेंगे, शुक्र बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं आपको। धन की, धन का आगमन, धन की कमी नहीं मैंने महसूस होने देंगे ये कार्य क्षेत्र में भी, आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनमें भी आपको जो है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा कि आपके कार्य समय से पूरे हों, अच्छी तरह से हों, कार्य कोई सफर ना हो, कोई बिगड़े ना, इसमें शुक्र आपको पूरा सपोर्ट देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो चल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी शुक्र के कारण। तो ये स्थिति शुक्र के कारण आपकी बनेगी। धनु लग्न राशि के जातकों को बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। आगे बात करेंगे मकर लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कैप्रिकॉन असेंडेंट बेस जो जातक है। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है एक तो 10th हाउस के लॉर्ड हैं दशम भाव के और एक हैं पंचम भाव यानी 5th हाउस। तो अब ये जाएंगे 13 जुलाई को, मैंने जैसा कहा मिथुन राशि में, मिथुन राशि है आपके छठे भाव में। तो यहाँ आकर के इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छे रिजल्ट आपको दें? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती। देखिए बस इतना है कि छात्रों को थोड़ा सा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें परिणाम उनके अनुसार प्राप्त हो तो उन्हें अधिक ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान अधिक देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो परेशानी बन सकती है, दिक्कत आ सकती है।
तो यहाँ पर एक तो शुक्र छात्रों से चाहते हैं कि छात्र थोड़ा परिश्रम करें तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरा, जो आपके विरोधी हैं वो शांत रहेंगे, उनको ये शांत करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को अगर आप सुलझा सकते हैं तो सुलझा लीजिए, शुक्र का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। लोन आदि से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वो भी शुक्र आपका सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे मकर लग्न राशि के जातक, तो वे भी अपना कोशिश करें, काम बनने की पूरी संभावना। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई दूर दराज की यात्राएं भी अगर करेंगे थोड़ा सा उसमें खर्चा तो होगा, आपका खर्चा तो कराएंगे शुक्र, लेकिन उसका भरपूर आनंद भी आप लेंगे, एंजॉय भी करेंगे, किसी पिकनिक आदि पे जा सकते हैं उस दौरान आप, लेकिन आप एंजॉय करेंगे उस जर्नी को। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है, धन की भी कमी आपके पास महसूस आपको नहीं होगी। आगे बात करेंगे कुंभ लग्न राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो शुक्र जो है फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं चतुर्थ भाव के, एक नाइन्थ हाउस के यानी कि नवम भाव के, और शुक्र आएंगे पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में। यहाँ आकर के ये सबसे पहले तो आपके आय के जो साधन हैं अगर कहीं उनमें कुछ कमी है तो उनको पूरा करेंगे, आय के साधन आपके बेहतर बनाएंगे, अच्छे करेंगे, मजबूत करेंगे। इनकम अगर आपको रुक रुक के हो रही है तो उस कमी को दूर करेंगे, अगर आपको इनकम सही हो रही है तो उसमें बढ़ोतरी करेंगे, मतलब इनकम में आपको जरूर कुछ ना कुछ ये फायदा दिलाएंगे शुक्र कुंभ लग्न राशि के जातकों को शुक्र जो है। दूसरी बात, छात्रों की बहुत अच्छे रिजल्ट उनको प्राप्त हो पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, छात्रों को बहुत अच्छे, और वो काफ़ी अपनी शिक्षा में अग्रसर रहेंगे, आगे जाएंगे। यदि आप एम्प्लॉयमेंट में हैं या बिजनेस में हैं तो आप इस समय पर जो बड़े डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे थे या लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे थे, सकुछ संकोच हो रहा था आपको, इस समय अवधि में जब तक शुक्र मिथुन में हैं आप लीजिए बड़े डिसीजन, मील का पत्थर साबित होंगे, ले सकते हैं आप आसानी से और आसानी से ले पाएंगे भी। दूसरा, मित्रों का भरपूर सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे, तो इतनी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है माँ लक्ष्मी की, तो और इससे अधिक क्या चाहिए। आगे बात करेंगे मीन लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ शुक्र एक तो थर्ड हाउस के तृतीय भाव के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, एक है एट्थ हाउस के लॉर्ड अष्टम भाव के, हालांकि ये दोनों ही घर शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन शुक्र जो हैं वो पापी घरों के लॉर्ड हैं लेकिन आपके चार्ट में, लेकिन ये बैठेंगे कहाँ, फोर्थ हाउस में, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो फोर्थ हाउस में चतुर्थ भाव में, यहाँ ये 13 जुलाई से 6 अगस्त तक रहेंगे। तो मित्रों जब ये यहाँ रहेंगे तो आपको सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ प्राप्त कराएंगे, यानी कि जो चीज़ों से अगर आप वंचित थे, अब ये कैसे कराएंगे, ये ऐसे कराएंगे कि मान लीजिए आप कोई वाहन आदि खरीद सकते हैं, आपको कोई वाहन खरीदवा सकते हैं, ये चाहे सेकेंड हैंड ही खरीदवाएं, कुछ अच्छा वाहन खरीदवाएंगे, अगर टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर खरीदवा देंगे, टू व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर खरीदवा देंगे, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, तो सुख सुविधाओं में वृद्धि आपके कराने वाले हैं ये। दूसरा, आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी आपको एक तरीके से वहाँ पर भी अच्छी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त करा सकते हैं ये आपको, इसकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और कार्य क्षेत्र में आपकी एक तरीके से आपका वर्चस्व बनवाएंगे ये, यानी कि लोग आपकी बात को मानेंगे सुनेंगे और आप लोगों को लीड भी कर सकते हैं एक ग्रुप को, कुछ लोगों के ग्रुप को, तो कार्य क्षेत्र में स्थिति आपकी ये मजबूत करने आ रहे हैं 13 जुलाई से। जो हालात अभी आपके हैं 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में आपकी स्थिति को बेटर करेंगे, ये स्ट्रांग पोजीशन होगी आपकी, अपने चाहे आप एम्प्लॉई हैं या बिजनेस मैन हैं, वहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी करने वाले हैं ये आगे जब ये आ जाएंगे मिथुन में। और जैसा मैंने कहा सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी प्रिय साथियों, और धन की स्थिति अच्छी रहेगी,
धन का आगमन बना रहेगा। सेविंग आपको अगर अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे, बढ़िया तरीके से करके चलेंगे, तो सेविंग भी आप कर पाएंगे। किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के पैसा इन्वेस्ट कहीं करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म, तो आप फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर आप पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए धन अपना किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के इन्वेस्ट करें, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और बुज़ुर्गों का भी आपको मतलब एक तरीके से आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो घर के बुज़ुर्ग हैं। तो ये चीज़ें आपको जो हैं शुक्र दिलवाने वाले हैं मीन लग्न राशि के जातकों को। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने जहाँ तक भी हो सका और जितनी भी हमसे कोशिश हुई कि भाई हम मेष से लेकर और मीन लग्न राशि तक सभी को, जितना भी हमारे पास ये लिमिटेड टाइम है, इसमें हमने जो भी बताने की कोशिश की है वो कोशिश यही है कि अधिक से अधिक आपको जानकारी हम दे पाएँ इस कार्यक्रम के माध्यम से शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से संबंधित परिणामों के विषय में। तो ये हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम आप सभी दर्शक गणों को हमारे बहुत पसंद आया होगा, और यदि ये पसंद आया है प्रिय साथियों तो फिर आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो भी वीडियोस बनते हैं हमारे द्वारा, वे भी आप तक पहुँचे और उनकी नोटिफिकेशन भी सीधी आप तक पहुँचे, तो उसके लिए फिर जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।